पिछली वीडियो में मैंने बताया आप सभी को कि हम लोग यूके से इंडिया शिफ्ट होने वाले हैं, तो अभी हम मुंबई एयरपोर्ट पर हैं। पुणे हमें जाना है क्योंकि वहीं पर हमारा खुद का घर है, तो हमने वहीं पर सेटल होने का सोचा है। और अभी देखिए टैक्सी आ चुकी है तो हम निकलते हैं मुंबई एयरपोर्ट से। और पिछली वीडियो पर बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि आपने यूके क्यों छोड़ा, बहुत सारे लोगों का कंसर्न है दर्श के लिए। तो देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर हम देंगे, सभी सवालों के आपके जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उस वीडियो में हम तीनों ही हों। और ये इस वीक पॉसिबल नहीं है क्योंकि दर्श के चल रहे हैं टेस्ट और मैं उसे इस समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, और ये भी थोड़ा बिजी हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीक में आपके लिए वो वीडियो ला सकूँ जिसमें आपके हम सभी सवालों के जवाब देंगे। चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इस समय हम जा रहे हैं मुंबई से पुणे की तरफ, और बीच में हम रुके हैं फूड कोर्ट पे जहाँ पर हमने दर्श को सैंडविच खिलाया और हम लोगों ने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी क्योंकि गर्मी बहुत थी तो बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी खाने का। क्या खा रहे हो? हम लोग पुणे एंटर कर चुके हैं और क्योंकि हमारा घर वाकड़ एरिया में ही है तो हम जल्दी ही अपने घर पहुंचने वाले हैं। और मौसम हो चुका है बारिश का। देखिए बारिश आ चुकी है और मुझे लगता है मौसम ठंडा हो जाएगा। हम लोग शाम को 4-5 बजे घर पहुंचे, तो थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा खाया पिया और फिर हम निकल गए यहाँ पे। ये जो मंदिर हमने देखा था टैक्सी से आते वक्त, तो हम यहाँ दर्शन करने आ गए हैं क्योंकि देखिए इंडिया भले ही हमारा देश है लेकिन यहाँ भी हमारी जो जर्नी है वो आसान नहीं होने वाली है। तो भगवान का आशीर्वाद लेना तो बनता है नई लाइफ के लिए, नए सफ़र के लिए। आप लाइटिंग देख रहे हैं कितना सुंदर लाइटिंग की हुई है, कितना सुंदर ये मंदिर लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सोने का बना हुआ हो। अच्छा, जो लोग पुणे में हैं और आना चाहते हैं इस मंदिर में तो मैं उनके लिए बता दूं, इस मंदिर का नाम श्री चारभुजा मंदिर है। ये पिंपरी चिंचवड़ में आता है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इस मंदिर के देखिए पास में पार्किंग भी है, अगर आप अपनी कार से बाइक से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। सभी को इस मंदिर में आपको सभी भगवानों के दर्शन होंगे। जी हाँ, यहाँ पर भोलेनाथ भी हैं, यहाँ पर गणपति भी हैं, सीताराम भी हैं, और यहाँ पर राधा कृष्ण भी हैं, विष्णु भगवान भी हैं, माता रानी भी हैं, सभी भगवान यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कितना सुंदर काम किया हुआ है, कितनी सुंदर कारीगरी की गई है। ये मंदिर के साइड में दो अलग अलग बनाई हैं छोटे छोटे मंदिर, इनमें भी भगवान विराजमान हैं। ये देखिए हम आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में, और ऊपर देखिए अब कितना सुंदर काम किया हुआ है, कितनी सुंदर कारीगरी की गई है। जब हम लोग पुणे में रहते थे, मैं 5 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब इस मंदिर का काम चल रहा था, तो काफ़ी साल हो गए इसको बनते हुए। और देखिए कितना सुंदर मंदिर बन के आया है, और सच में जिसने भी इसको डिज़ाइन किया है बहुत ही सुंदर किया है, बिल्कुल अलग ही लग रहा है एकदम। क्या बोलूँ मैं, आप खुद ही बताइए कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है। अभी मंदिर में आरती स्टार्ट होने वाली है तो उसी के इंतज़ार में सारे लोग बैठे हुए हैं मंदिर के प्रांगण में।
मंदिर के साइड से आप मंदिर की परिक्रमा भी दे सकते हैं। मंदिर के पिछले हिस्से में ये मंदिर की रसोई है जहाँ पे प्रसाद बनाया जाता है। और देखिए पीछे से लाइटिंग कुछ इस तरह से हो रही है रिफ्लेक्ट, बहुत ही प्यारी लग रही है, अलग अलग कलर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर हर दिन ही प्रसाद वितरण होता है खिचड़ी का, जो कि बहुत स्वाद होती है। मैं आपको शब्दों में तो बता ही नहीं सकती कि कितनी टेस्टी, मैंने फर्स्ट टाइम इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी खाई। और जब हमने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें आयुर्वेदिक चीज़ें डली हुई हैं जिसके कारण से इसका स्वाद इतना अच्छा आता है खिचड़ी का। और यहाँ देखिए मंदिर के प्रांगण में कितने सारे लोग बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं यहाँ के प्रसाद का, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद है। और साथ ही में देखिए सुकून और शांति जो यहाँ मिल रही है वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। ये रहा प्रसाद जो कि बहुत स्वादिष्ट लगा मुझे। अगर आप पुणे में रहते हैं तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर विजिट करिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुकून वाला मंदिर है, सुकून देने वाला है। वैसे तो सारे ही मंदिर हैं लेकिन ये कुछ अलग लगा मुझे, यहाँ पर इसकी एनर्जी कुछ अलग लगी। आप गूगल में श्री चारभुजा मंदिर करके सर्च करेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।